तो शरद यादव आज 7 तुगलक रोड स्थित अपना बंगला खाली कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तमाम यादें जो जुड़ी हुई हैं इस बंगले से वो उन्होंने साझा की, उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद है। शरद जी, जो मनोस्थिति है आपकी वो इस वक्त कैसी है? जिंदगी भर संघर्ष किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता मन में, और सबको नमस्कार करने के लिए बुलाया था। यहाँ 48 से रहता हूँ, कोठे में 22 साल से रहता हूँ, तो पत्रकार मित्रों का ज़्यादा सहयोग रहा है और मेरी बात को देश भर में पहुँचाने का काम पत्रकार करते रहे, तो उनको नमस्कार करने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राह मकान बदला है, दिल नहीं बदला है। जो हौसला है वो हौसला इस मकान में भी था, आगे भी रहेगा। नहीं, हम पहले जब 74 में जबलपुर से आए हैं 2 बार, और इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से जीते हैं, और इसके बाद बिहार में 4 बार जीते हैं, देश में हमारी 11 बार ओथ हुई है, 11 बार पार्लियामेंट में हमारी ओथ हुई है, हमसे सीनियर शायद कोई नहीं है। लालू जी और आप राजनीति को बहुत बेस से देख रहे हैं और बहुत लंबा वक्त आप दोनों ने साथ में जिया है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़रूरी सवाल हो जाता है जातीय जनगणना को लेकर। मुझे यकीन है आपने कईयों को जवाब दिया, जातीय जनगणना आज की तारीख में ज़रूरी क्यों लगता है? इसलिए कि हकीकत को पहचानना ज़रूरी है, जाति हकीकत है, और हकीकत सामने आ जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जात की राजनीति अच्छी है क्या शरद जी? जात की राजनीति पूरे देश में हो रही है, और क्या है, किस पार्टी की नहीं है। जाति सदियों पुरानी है, पार्टियां जो है वो 50-30 साल पुरानी है, देखो हकीकत है देश की। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं जरा, चूंकि इनकी बेटी भी साथ में है, मैं 1-2 सवाल आपसे भी करना चाहूंगी मैम। हाँ ये निकलेंगे, लेकिन चूंकि आप भी यहाँ रही हैं लंबे वक्त तक, आपने तो बिहार में चुनाव भी लड़ा, किस तरीके से इस वक्त जो स्थिति है उसको देखती हैं? देखिए, यहाँ पर एक लंबा सफ़र रहा है, आगे भी एक लंबा सफ़र तय करना है। राजनीति में कभी कोई रिटायर नहीं होता, ना त्याग करता है, तो हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि आगे फिर आएंगे। देश जी की पार्टी अभी किसके हवाले? अभी तो RJD में विलय कर दिया गया था। मैं कांग्रेस में ही हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ। सोनिया जी से मेरी मुलाकात हुई थी, और आगे मुझे जिम्मेदारी भी दी जाएगी पार्टी में, तो मैंने उनको संगठन में ही काम करने के लिए बोला है कि मेरी इच्छा है और मैं संगठन में काम करूँगी। कांग्रेस में ही रहना? हाँ जी, मैं कांग्रेस में ही हूँ, बट कांग्रेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महागठबंधन इन बिहार, सो आई एम पार्ट ऑफ महागठबंधन। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये शरद यादव 7 तुगलक रोड स्थित इनका बंगला, जो इन्होंने अब से कुछ ही देर पहले खाली किया है और इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं। लंबे वक्त से मध्य प्रदेश से राजनीति शुरू की, हालांकि लंबा वक्त इनका राजनीतिक करियर को अगर देखें तो रहा। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि अपनी पार्टी का विलय जो है यानी मर्ज कर रहे हैं RJD के साथ, और इनकी बेटी ने भी बिहार में चुनाव लड़ा था। और ये जातीय जनगणना को आज की तारीख में ज़रूरी मानते हैं, और साफ जो इन्होंने बयान दिया उनके मुताबिक जाति की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, और ऐसे में सब कुछ क्लियर हो, संदेश साफ हो, इसलिए जातीय जनगणना ज़रूरी है। अपने सहयोगी DC मंजू के साथ, निधिश्री ABP न्यूज़ दिल्ली।